मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैड सेंट यू द वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट लेसन एंड एक्सप्लेन इट, बट टूडे यू विल सी द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. सो लिसन केयरफुली. आवर फर्स्ट लेसन इज हनुमान एंड आई. फर्स्ट हैव सम होमवर्क. Means get ready for the lesson. How do you feel when you go up in front of a large audience to recite something or act in a play or perform? Means आपको कैसा महसूस होता है जब आप एक भरी सभा में जाते हैं या तो कुछ कहने के लिए या फिर acting के लिए या फिर किसी परफॉर्मेंस के लिए. देर आर सम वर्ड्स यू कैन सी इन द बॉक्सेस. कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, हैप्पी, काम, एक्साइटेड, पॉजिटिव. ब्लैंक, टेरिफाइड, डिजी, एंग्शियस, नर्वस एंड अनसर्टेन. दीज आर द कंडीशंस व्हेन यू go in front of a large audience. These are the feelings that you can feel at that time. तो आप इन boxes में से जितने भी word हैं उनमें उन्हें देख कर आपको कैसा महसूस होता है? या तो आप बहुत ज़्यादा confident, means आप में आत्मविश्वास भरा हुआ है. comfortable, आप बिल्कुल सहज रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, excited रहते हैं. positive, means आपकी point of view बिल्कुल क्लियर रहता है. या फिर आप ब्लैंक, मींस व्हाट यू हैव टू से यू डोंट नो, आप क्या कहना चाहते हैं आपको नहीं पता. टेरिफाइड, डरे हुए रहते हैं. डिजी मींस यू डोंट नो व्हाट टू से. एंग्शियस मींस वरिड, चिंतित रहते हैं. नर्वस मींस कंफ्यूज्ड रहते हैं. अनसर्टेन, अनिश्चित रहते हैं. ये सारी फीलिंग्स हैं. तो आप कैसा महसूस करते हैं? इफ़ यू हैव टेक्ड मोर वर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन दैन द सेकेंड. अगर आप फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर आप वैसा फील करते हैं तो इट मींस आई एंजॉय परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंसेस बिकॉज. तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं ऑडियंस को. बिकॉज क्यों? बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, आई एम कम्फर्टेबल, हैप्पी, काम, एक्साइटेड एंड पॉजिटिव. इफ़ यू हैव टेक्ड मोर वर्ड्स इन द सेकेंड लाइन दैन द फर्स्ट, अगर आपको सेकेंड लाइन में से आपको फील होता है, इन सारे वर्ड्स में से आप फील करते हैं, इट मीन्स आई फील नर्वस परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस. मैं इतनी बड़ी सभा को जब संबोधित करता हूँ या जाता हूँ उसके सामने तो मुझे ये सारी फीलिंग्स आती हैं. क्यों? बिकॉज आई एम ब्लैंक, टेरिफाइड, डिजी, एंग्शियस एंड एट्सेट्रा. नाउ रीड दिस स्टोरी about the comical events that take place during a school play. एक स्कूल में एक एक्टिंग होती है, एक ड्रामा होता है. उसमें एक छोटी सी बच्ची है जो एक्टिंग कर रही होती है. एंड दिस स्टोरी इज़ रियली वेरी कॉमिकल. ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हास्यास्पद भी है. नाउ हैव द स्टोरी. इट इज़ टाइम फॉर द स्कूल एनुअल डे. द लिटिल गर्ल इन आवर स्टोरी इज़ होपिंग विथ ऑल हर हार्ट दैट शी गेट्स अ गुड रोल इन द प्ले. She loves to act and knows she would do a brilliant job. The story of Rama is being enacted and she dreams of playing the role of Rama. Enacted means to act, means jiska drama hone ko hai. She doesn't mind being Lakshmana or even Hanuman. She is finally offered the role of one of the monkeys in the Vanar Sena. Despite means ke bawajood her disappointment, the little girl is eager and excited. All she has to do is say a few words in a chorus. In a chorus means in a group. Things take an interesting turn on the day of the performance. So in this story we are finding that there is a little girl and the girl is very excited regarding her role. She got the role
of a monkey in the Vanar Sena. But what happened on the performance day? Let's see. इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जो एक्टिंग करना चाहती है रामायण में, और उस एक्टिंग में उसे रोल मिलता है वानर सेना में से एक बानर का रोल उसे मिलता है, और डिस्पाइट हर डिसअपॉइंटमेंट, अपनी उदासी के बावजूद भी वो उसने बहुत ही अच्छे से वो रोल करने की कोशिश की है। लेकिन परफॉर्मेंस वाले दिन यानी जिस दिन वो ड्रामा होने को है एनुअल डे के दिन, कुछ ऐसा हो जाता है जो इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और कॉमिकल बना देता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। वी वर ड्रेसिंग अप व्हेन द स्कूल वॉचमैन हैंडेड अ नोट टू द टीचर। वी मीन्स द गर्ल एंड हर ग्रुप। वी वर ड्रेसिंग अप व्हेन द स्कूल वॉचमैन हैंडेड अ नोट टू द टीचर। शी रीड इट अलाउड। डियर मैडम, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट अलका हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मिजल्स। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स होता है फेज्ड, मिजल्स मीन्स होता है खसरा, रोग होता है ये, एंड हैज़ बीन रनिंग a high temperature since morning. Sorry, she will not be able to act in the play. Have the summary. हम लोग ड्रेस पहन रहे थे और अपने ड्रामा के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय स्कूल के वॉचमैन यानी गार्ड ने आके टीचर को एक लेटर दिया। टीचर ने उसे ज़ोर से पढ़ना शुरू किया और उसमें था कि मैडम अलका, जिसे कि अलका जो कि इस ड्रामे में परफॉर्मेंस देने वाली थी, एक्टिंग करने वाली थी, उसे खसरा हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है सुबह से, इसलिए माफ़ करिएगा, वो अब इस एक्ट में, इस ड्रामे में अब एक्टिंग नहीं कर पाएगी। सो व्हेन द गर्ल एंड हर ग्रुप वाज गेटिंग रेडी फॉर द ड्रामा एट दैट टाइम द वॉचमैन केम विथ अ नोट एंड गेव इट टू द टीचर एंड द टीचर गॉट टू नो दैट अलका द गर्ल हु वॉज गोइंग टू एक्ट इन दिस ड्रामा हैज़ मिजल्स एंड ड्यू टू दैट मिजल्स हाई टेम्परेचर फीवर शी वॉज नॉट एबल टू एक्ट इन दिस प्ले। अलका वॉज टू प्ले हनुमान। The teacher looked round in dismay. Dismay means hota hai worry, chinta. And her eyes fell on me. Look here, she said doubtfully. Doubtfully means sankavas, with doubt. You wanted to be Hanuman? You think you can manage? Alka was to play Hanuman. Alka got the role of Hanuman, but as she was suffering from measles, shows she was not going to act in this play. At that time, the teacher looked at the little girl, the main character of this story. She looked on her and she asked her whether she wanted to act the role of Hanuman. अब हिंदी में सुनिए। टीचर ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ ध्यान से देखा और उससे पूछा, क्या तुम हनुमान का रोल कर सकती हो? क्या तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? माई ड्रीम वॉज सडनली कमिंग ट्रू। माई मीन्स दैट लिटिल गर्ल। माई ड्रीम वॉज सडनली कमिंग ट्रू। आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है, मीन्स वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड कॉन्फिडेंटली, मीन्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, फॉर्म बिलीव। इवन इफ आई फॉरगेट माई लाइन्स आई कैन ऑलवेज थिंक अप समथिंग एल्स। सो यहाँ पे वो बच्ची कह रही है कि मेरा सपना जो था वो अचानक से पूरा होता दिखा, मैं बहुत खुश हो गई और मैंने कहा ज़रूर मैं कर सकती हूँ। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और ये भी कहा कि अगर मैं अपनी लाइन भूलती हूँ तो मैं खुद से सोच के वहाँ पर बोल सकती हूँ। द गर्ल बिकेम वेरी हैप्पी एंड शी सेड दैट शी वॉज रेडी टू डू द रोल ऑफ हनुमान एंड इफ शी वॉज गोइंग टू फॉरगेट दैट लाइन एट दैट टाइम शी कुड मैनेज बाय हर ओन लाइन्स। ओ नो, शी सेड, यू शैल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग। आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग
from the wings. All you have to do is repeat what I say, and for God's sake, don't mumble. Speak as loudly as you can. Oh no, she said. She refers to the teacher. यहाँ पे टीचर के लिए शी आया. उन्होंने टीचर ने कहा अरे नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी मत करना. आई शैल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स. विंग्स मीन्स होता है एंटरिंग पॉइंट ऑफ द स्टेज. स्टेज पे जहाँ से एंटर होते हैं उसे विंग्स कहते हैं. मैं तुम्हें विंग्स से, एंटरिंग पॉइंट से मैं तुम्हें डिक्टेट करूँगी. प्रॉम्प्टिंग मीन्स होता है डिक्टेट करना. मैं तुम्हें डिक्टेट करती रहूँगी. तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि मैं जो कुछ भी कहूँ उसे रिपीट करना है. और प्लीज़ भगवान के लिए मंबल मत करना. मंबल मीन्स विस्पर, फुसफुसा के मत बोलना. जितना हो सके उतना ज़ोर से बोलना. सो द टीचर वॉर्न्ड द लिटिल गर्ल दैट नॉट टू से एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट वॉट एवर द टीचर टोल्ड हर. She would have to repeat only those things. As the curtains went up for the third scene, I was pushed on stage to the accompaniment of the drums. Accompaniment means होता है के साथ, with company. I almost fell on my face. For some time, I could not see a thing. The drums were echoing. Echoing means repeating sound, gunjna awaaz, in my ears, and my hands and feet were cold and numb. Means become senseless. Numb means hota hai senseless. Means bilkul jisme koi sense na ho. I opened my mouth to say my lines, but my throat was dry and I couldn't remember them. हिंदी में सुनिए. जैसे ही पर्दा उठता है थर्ड सीन के लिए, आई वॉज पुश्ड, मुझे धक्का दिया जाता है स्टेज पे जाने को. एकम्पनीमेंट ड्रम्स की आवाज़ के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने मुंह के बल गिर पड़ूंगी. कुछ देर के लिए मैंने कुछ नहीं देखा. मैं कुछ नहीं देख सकती थी. मेरे कान में ड्रम की आवाज़ गूंज रही थी और मेरे हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे और सेंसलेस, बिल्कुल अज्ञानता से भरे हुए थे. मैंने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, अपनी लाइन कहने के लिए, लेकिन मेरा गला सूख गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा. सो व्हेन द कर्टेंस रोज फॉर द थर्ड सीन, द गर्ल वॉज पुश्ड ऑन द स्टेज विद द साउंड ऑफ द ड्रम्स एंड शी was so nervous that she could not remember anything. She was getting very nervous. That's why her throat became dry and she forgot her lines. So up to this you have to understand the chapter. Try to learn the hard word meanings. This one is your homework.